आज से केदारनाथ के खुल गए कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कपाट खोले जाने के मौके पर भव्य रूप से सजाया गया भगवान शिव का दरबार, पूजा पाठ मंत्रोच्चार का भी आयोजन। दिल्ली में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली, आज रामलीला मैदान में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी फूकेंगे 2019 चुनाव का बिगुल, 2 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर 45 मिनट तक रोकी गई राहुल गांधी एक्सप्रेस, मुंबई से आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कर्नाटक के विजयपुरा में सिद्धेश्वर मंदिर में अमित शाह ने लिया आशीर्वाद, वहां शॉल ओढ़ाकर किया गया उनका सम्मान। 2 दिन का चीन दौरा खत्म कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की अगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के एक और गांव डुमरी को लिया गोद आदर्श गांव के रूप में, अब तक 4 गांवों को ले चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों संग की बैठक, कई अहम फैसले लिए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का विवादित बयान, कहा बीजेपी और आरएसएस इस मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। 30 अप्रैल को होगा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मंत्रिमंडल में फेरबदल, बीजेपी पुराने चेहरों को हटाकर कुछ नए चेहरों को करेगी शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौड़िहार में चौपाल में पहुंचे, वहां विश्राम गृह में एसी लगवाने वाले अधिकारी पर फूटा गुस्सा, उन्होंने निलंबन का सुनाया फैसला। इलाहाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 8 महीने के बच्चे की हत्या की, कत्ल के बाद कमरा बंद करके हुआ फरार, वारदात के 4 दिन बाद खुलासा। बरेली में शादी समारोह से लौटते वक्त सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मुंबई में पब्लिक टॉयलेट धराशायी, हादसे में 2 लोगों की मौत, बीएमसी पर रखरखाव में अनदेखी का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पराली जलाने के आरोप में पुलिस वालों ने किसानों को बेरहमी से पीटा, 2 जख्मी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।